हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मैक्रोनी बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए हमें मैक्रोनी लेनी है और प्याज लेनी है कटी हुई, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च। आइए और क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। लाल मिर्च पाउडर, नमक और मैगी मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। सबसे पहले मैंने पानी को गर्म करने रखा है। पानी को अच्छे से बॉईल होने के बाद इसमें मैक्रोनी डालेंगे और मैक्रोनी को बॉईल करेंगे अच्छे से। उसके बाद मैगी मसाला लेना है, लाल मिर्च पाउडर लेना है और नमक लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैगी मसाला लेंगे और जो हमने बॉईल किया था मैक्रोनी को उसमें डाल देंगे। देखिए डाल देंगे हम। उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, वो भी मैक्रोनी में डाल देंगे। हमें मैक्रोनी में इतना पानी रखना है कि जो मैक्रोनी है वो पानी को अच्छे से सोख ले, ज़्यादा पानी नहीं रखना है। देखिए हम मिर्च, मैक्रोनी मसाला और नमक को अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें क्या करना है, वो हमारा तैयार है उधर। सबसे पहले जैसे हम दाल में तड़का लगाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल हमें रिफाइंड को गर्म करना है। तेल भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, और उसमें प्याज कटी हुई डालनी है। और प्याज को हमें तब तक भूनना है तब तक वो लाइटिश ब्राउन ना हो जाए। याद रखना है कि वो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, काली ना हो, हल्की ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज हल्की सी गुलाबी होने लगी है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, हल्का सा हरी मिर्च को भी पकाएंगे हम, इसी में फ्राई करेंगे। जब ये हरी मिर्च अच्छी थोड़ी सी गल जाए उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो हमने टमाटर चॉप किया था अब हम इसमें उसको डाल देते हैं। देखिए ये हमने टमाटर को इसमें डाल दिया है। टमाटर को भी थोड़ा सा हमें इसमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा, थोड़ा कच्चा रहे। उसके बाद जैसे तड़का दाल में लगाते हैं वैसे ही हमें ऊपर से जो हमने मैक्रोनी तैयार की थी बॉईल करके अलग से उसमें डाल देंगे ऊपर से। देखिए कितना इजी मेथड है ये मैक्रोनी को बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। देखिए अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, जो मैंने तड़का लगाया है ऊपर से प्याज टमाटर का। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही, और ये अपने आप ही क्रीमी हो जाती है। जैसे आपकी मैक्रोनी थोड़ी खड़ी सी रहती है वो उस तरह की नहीं रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।